डेफिनेटली मैंने जो पीटीआई को ज्वाइन किया है उसके पीछे एक ही मकसद था जो खान साहब का मैंडेट है उसकी वजह से. रीज़न वाई ये कि ये हमारे लिए बहुत ही अजीबनाक और तकलीफ दे सिचुएशन है जिससे हम साल साल गुजरते रहे ड्यू टू हमारे जो ट्रक सिस्टम है उसकी वजह से कि हम अपने बिजनेसेस यहाँ से शट डाउन करके हमने ज़िंदगी यहाँ गुजारी, पैदा पले बड़े हम यहीं हुए. ये कराची हमारी माँ है देखा जाए तो, और हमने लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे माफिया था उसने जला दिया इस कराची को. आप ये सोचिए कि कितनी तकलीफ दे चीज़ होती कि हम यहाँ पे बीज बोते हैं, पौधा लगाते हैं और फिर उसी की जड़ें काट देते हैं और फिर उसको सारे सिस्टम को उठा के हम मुल्क से बाहर अपना पैसा ले जाते हैं, बिजनेसेस ले जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम अपनी डेवलपमेंट को, वुमेन एम्पावरमेंट को या हमारी जो एम्पावरमेंट है हम उसको स्ट्रॉन्ग करें. तो ये बेसिकली एक रीज़न था कि खान साहब का जो एक विजन है कि एक बिज़नेस सेक्टर से मेरे लिए बहुत बड़ी आज एक तारीख के दिन है कि मैं एज अ बिज़नेस लेडी मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और ये बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली एक स्टेप है. मैं समझती हूँ कि इस तरह से इंडिविजुअल कैपेसिटी हमें जो है ना अपनी ही हेल्प करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकें. तो जो भी है अब हमने मिलकर ही काम करना है, स्पेशली कराची के लिए जो कराची हमारा हब है जहाँ से हमारी सारी हर चीज़ चलती है हम उसी को ही प्राप्त रहे हैं. तो मेरा एक बेसिक यही मोटिव भी यही है कि हम एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और जितने हमारे एम्पावरमेंट के जो इश्यूज हैं हम उनको एटलीस्ट डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं. डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है.